हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु व अन्य लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो, यदि जीवन में समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसके सरल सटीक चमत्कारी समाधान भी हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 20 जून के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075, मास चल रहा है ज्येष्ठ का, तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है गतिपात और करण है वृष्टि। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके शत्रु आज आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र करें, कुछ तांत्रिक पीड़ा करें, ऐसे ग्रह नक्षत्र की स्थितियां आपके लिए बता रही हैं। तो पहले से कहीं ज़्यादा आज आपको सावधान और सचेत रहना होगा। ओम सर्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में न करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने परिवार में जीवन साथी या भाई बंधु के साथ आज कुछ वाद विवाद, मनमुटाव की स्थिति आ सकती है, जिसको सामान्य होने में कुछ समय भी लगेगा और जिसके चलते आप मानसिक रूप से भी थोड़ा सा परेशान रहेंगे, मेंटली भी आप थोड़ा डिस्टर्ब रहें, अनस्टेबल रहें, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। तो ऐसे परिस्थिति में ओम सर्व तनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी को रुपए पैसे आज आप उधार न दें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए जो आज आप प्रयास करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से बचें। कर्क राशि। आज परिस्थिति प्रतिकूल, आर्थिक जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ रह सकती है, कारोबारी स्थिति जो है वो थोड़ा सा आज गड़बड़ रहेगी, तो अपने काम में आज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, खर्च भी बढ़ेगा, मानसिक तनाव भी रहेगा, ऐसे योग आपके लिए आज बन रहे हैं। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और मांसाहार और मद्यपान के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए घरेलू उलझने आज आपको परेशान करेंगी, परिवार में किसी के साथ बहुत ज़्यादा वाद विवाद, झगड़ा, बहस हो जाए, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भाई बंधु के साथ वाद विवाद न करें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक स्थिति आपके पुरुषार्थ से आज जुड़ी हुई दिखाई देती है। पुरुषार्थ अर्थात आपकी मेहनत, आपका पराक्रम, आप जितना आज आप एफर्ट करेंगे उतना बड़ा आज आपको फायदा मिले, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। ओम श्री प्रत्यय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और तनाव लेने से बचें। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम करने पर भी सफलता की गति धीमी रहने वाली है। ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी परिस्थिति में निराश न हो। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ पहले से ज़्यादा तनाव बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को सफलता हेतु कठिन मेहनत करने की आवश्यकता होगी। बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्ति में सफलता आज संभव दिखाई देती है। ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट न करें। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आर्थिक स्थिति आज प्रबल होगी। आप अपनी जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा आज आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धैर्य न खोएं। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम करने पर भी कार्यों में सफलता, कार्य की सफलता में संदेह रहने वाला है। ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा बिल्कुल भी न करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आपको सेहत संबंधी विशेष आज जो है ध्यान रखना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, परेशानी कुछ आ सकती है। ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मेहनत में आज कमी न करें। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए शत्रु पक्ष निष्क्रिय बना हुआ रहेगा। बड़ी योजनाओं पर निर्णय लेने के लिए आज आप थोड़ा सा सूझबूझ दिखाइए, लोगों से सलाह मशवरा करके ही समय बड़ा निर्णय करें तो आपको इस समय में फायदा मिलेगा। ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। बहुत ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए। तो मित्रों, ये तो बात रही आज की 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियाँ क्या कहती हैं, दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय के बारे में। आप दर्शकों की तरफ से ये प्रश्न आया कि अगर किसी व्यक्ति के गाल पर तिल हो तो उससे क्या अर्थ समझना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के गाल पर तिल होता है तो ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन अगर यह तिल
बाईं ओर गाल पर हो तो ये निर्धनता की निशानी भी होती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो मेल हो या फीमेल हो, अगर लेफ्ट साइड में ये तिल बन रहा है तो वो निर्धनता की निशानी है, रुपए पैसे की क्राइसिस हमेशा लोगों को रहेगी, आर्थिक तंगी बनी रहेगी। अगर राइट साइड में ये तिल बन रहा है तो ये बहुत ही शुभ है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको जो मैं बताता हूँ ये आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ़ोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।